बलिया जिले के रसण कला के मूल निवासी जीरा सुल्तानपुर जल जीवन मिशन से जुड़े जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गुण हत्याकांड 17 अगस्त 2024 की उच्च स्तरीय जांच माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से कराने, हत्यारों को फांसी की सजा देने, इनके परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा देने, परिवार के किसी सदस्य को ग्रेड 2 सरकारी नौकरी देने व परिवार की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग को लेकर दिनांक 22 अगस्त 2024 को इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने आकर स्वीकार किया। इस अवसर पर उपस्थित हत्या मृतक अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोड़ के छोटे भाई निर्लेश कुमार गोड़ ने बताया कि 15 अगस्त की सायं को बड़े भाई इंजीनियर संतोष कुमार गोड़ से हमारी बात फोन पर हुई थी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में निजी कंपनियां बिना सही काम कराए ही भुगतान का दबाव बना रही हैं, जिसमें संविदा सहायक अभियंता अमित कुमार भी सम्मिलित हैं। जल जीवन मिशन में मानक के अनुसार काम न करने वाली इन निजी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए 250 पेज का चार्जशीट तैयार किया जा रहा है। आगे बताया कि मुख्य अभियुक्त संविदा सहायक अभियंता अमित कुमार के आपराधिक व्यवहार के खिलाफ व इसे हटाने के लिए अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी गोपनीय पत्र लिखे थे, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया, न ही समय रहते कोई कार्रवाई की गई। इसलिए ऐसी स्थिति में उच्च स्तरीय जांच CBI से कराई जानी चाहिए, तभी इस हत्याकांड में संलिप्त सभी लोगों का पर्दाफाश होगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व इंडियन पीपुल सर्विसेज IPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोंडवाना ने कहा कि आदिवासी जनजाति समुदाय के एक गरीब परिवार से अपनी शिक्षा के बल पर अधिशासी अभियंता के पद तक पहुंचने वाले संतोष कुमार गोड़ की निर्मम हत्या हो जाती है और इस पूरे प्रकरण पर भाजपा की योगी सरकार चुप्पी संदेहास्पद है। आगे कहा कि अधिशासी अभियंता संतोष कुमार गोड़ हत्याकांड की माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलन लखनऊ से लगायत नई दिल्ली तक लगातार जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमेर गोड़, प्रदेश महासचिव गोपाल जी खरवाल, सुरेश शाह, सुदेश शाह, मनोज शाह, अमित शाह, संजय गोड़, निर्लेश कुमार गोड़, प्रदीप कुमार, रोशन कुमार, विवेक कुमार, मिंटू कुमार, ब्रजेश राम, रघुनाथ गोड़, कौशल गोड़, विशाल गोड़, विशाल कन्नौजिया, सुनील आदिवासी, अमित शाह, नारायण गोड़, अधिलेश कुमार, प्रेम शाह, ईश्वर आकाश शाह आदि लोग रहे। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। पूर्व में तैनात ये अनुसूचित जनजाति के थे संतोष कुमार गोंड जी, अधिशासी अभियंता थे बड़े पद पर जी, 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 और उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। और इसमें वो जो थे जो लूट करने वाली कंपनियां हैं उसके खिलाफ 250 पेज का चार्जशीट बनाए थे और जो अधिशासी निदेशक हैं उनको भी लेटर लिखे थे हत्यारे के खिलाफ कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी मांग है सर आपके माध्यम से कि इस घटना की उच्च न्यायालय की निगरानी में CBI जांच हो कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने कंपनियां हैं जो प्राइवेट लूट खसोट कर रही हैं, और हर अधिशासी अभियंता को भी सुरक्षा गार्ड दिया जाए। जैसे आप ही अधिकारी हैं तो आपको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इसके बाद पीड़ित परिवार को, एक परिवार को नौकरी, उनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, और सरकारी नौकरी के साथ 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और अभी तक सरकार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बुलडोजर बाबा है, अपराधियों पर बुलडोजर चढ़ा देते, लेकिन एक आदिवासी जनजाति समुदाय के ये अधिशासी अभियंता की हत्या हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार के तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो हम चाहेंगे कि सर हमारा ज्ञापन ले लीजिए, इसको हम भेजेंगे लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय। नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं स्वर्गीय संतोष कुमार जी का छोटा भाई हूँ। मेरे बड़े भाई संतोष कुमार जी जल निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम में ग्रामीण विभाग में अधिशासी अभियंता थे। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे दूसरे भाई संजय कुमार जी का लड़की हुई, तो हम लोग बहुत ही हंस उल्लास से बातचीत किए हैं, हम हंसी मजाक किए हैं। उसके बाद अचानक ही 17 तारीख को सुनने में आया, यकीन तो हुआ नहीं, अचानक ही सुनने में आया। तो
पता चला जाके कि 17 अगस्त 2024 को सुबह 7 से 9 के बीच में ये कांड हुआ है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? सुबह प्रातः अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? उनकी दो बेटियां हैं और भाभी है, उनकी जीवन की सुरक्षा और उन बेटियों के जीवन कैसा होगा उसके लिए उचित मुआवजा और चाहिए। जिसे लास्ट टाइम आप लोगों से बातचीत हुई होगी क्या, उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में भी उन्होंने बताया था? उन्होंने परेशानियों के बारे में बताया था कि जल मिशन में कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो फर्जी मतलब बिल पास करवा रही है और ये गलत काम कर रही है, उससे परेशान थे। इसके लिए वो 250 पन्ने की चार्जशीट तैयार कर रहे थे, बस इतना ही वो बताए थे। और इसके बाद अगले दिन बात करने के लिए कहे थे अगले दिन। वही सरकार के लोग करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ तक सच है सर? ये सबको दिख रहा है कि ये सक्सेस नहीं है, किसी भी हाल में सक्सेस नहीं है। आए दिन ये हत्याएं हो रही हैं और केस सॉल्व हो नहीं रहा है। एक होता है तो बगल में हर घंटे में 4 केसेस ओपन हो जाते हैं। ये किसी भी हिसाब से सक्सेस नहीं है। अगर हमारे क्या लगता है इसमें सफेद पोस्ट भी है क्या शामिल? सर ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, अगर सही से सीबीआई जांच होगी तो उजागर जरूर होगा। ठीक। इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, उनके परिजनों को समुचित मुआवजा 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार से किसी व्यक्ति को ग्रेड 2 की सरकारी नौकरी दी जाए और समुचित सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। इस मांग को लेकर इंडियन पीपुल सर्विसेज IPS द्वारा आज यहां प्रदर्शन करके ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। अगर तत्काल इस पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हम बड़े आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे और आपसे मांग करना चाहते हैं कि अधिशासी अभियंता का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, ऐसे लोगों की भी सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार को की जानी चाहिए, उन्हें भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।